अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई एम योर टीचर फ्रॉम द एजुकेटर FM कैंपस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेजर्ट रीजन। डेजर्ट इज़ अ हॉट, ड्राई एंड सैंडी एरिया। डेजर्ट को उर्दू में सहरा कहते हैं। देयर आर थ्री डेजर्ट इन पाकिस्तान, थर्ड डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट, खारान डेजर्ट। द थर्ड डेजर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फ्रेंडली डेजर्ट बिकॉज इट इज़ नॉट टू हॉट, यू कैन ट्रेवल ईजीली इन इट एंड इट इज़ नॉट टू सैंडी। थर्ड डेजर्ट को फ्रेंडली डेजर्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा रेत होती है। आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हरकत कर सकते हैं। 70% ऑफ द पीपल लिविंग हेयर आर हिंदूज। There is very little rainfall. It is very hot and dry. In some parts, the temperature are above 50 Celsius in summer. Winters are very cold and the temperature goes below freezing. गर्मियों में अक्सर दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। The next is Cholistan Desert. द वर्ड चोलिस्तान कम फ्रॉम चोलना मीनिंग्स मूविंग। चोलिस्तान का लफ्ज चोलना से निकला है जिसका मतलब है चल रहा। द पीपल इन चोलिस्तान डेजर्ट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड फॉर देमसेल्व्स एंड देयर एनिमल्स। चोलिस्तान सहरा के लोग एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते रहते हैं खुराक की तलाश में। द पीपल इन द डेजर्ट कॉल इट सैंडी डेजर्ट बिकॉज इट इज़ मोस्टली सैंड। और इस सहरा को सैंडी डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत होती है। द थर्ड इज़ खारान डेजर्ट। खारान डेजर्ट इज़ इन बलूचिस्तान। द पीपल इन द डेजर्ट कॉल इट सैंडी डेजर्ट बिकॉज इट इज़ मोस्टली सैंड। यहाँ के लोग इसको ज़्यादातर सैंडी डेजर्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत है। द डेजर्ट एक्सपीरियंस सीवियर सैंड स्टॉर्म्स। देयर इज़ अ लिटिल रेनफॉल एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। कोस्टल रीजन। द कोस्टल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान आर इन सिंध एंड बलूचिस्तान। कोस्टल मीन्स साहिल, साहली हिस्सा। दे आर ऑन द शोर्स ऑफ द अरेबियन सी। द टू मेन पार्ट्स ऑफ कराची एंड ग्वादर आर ऑन दिस कोस्ट लाइन। द मेन वेजिटेशन ऑफ द एरिया इज़ मैंग्रोव्स फॉरेस्ट। कोस्ट लाइन पे ज़्यादातर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस एरिया आर इंगेज इन फिशिंग विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। यहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादातर मछली का कारोबार करते हैं। द टेम्परेचर इन द कोस्टल रीजन इज़ मॉडरेट। देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। देयर इज़ वेरी लिटल रेनफॉल। थैंक यू।